नेक्स्ट सेगमेंट में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सोवेल नोज कैट है। ये सोवेल नोज कैट फिश मॉन्स्टर बुक के फिशेस हैं। ये काफ़ी जाइंट होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये अमेजन रिवर के भी फिश हैं। ये साउथ अमेरिका के बहुत सारे रिवर में पाए जाते हैं और बहुत मॉन्स्टर बुक के बहुत बढ़िया फिशेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक बंजारा रेड आरवाना भी है, राइट। ये आरवाना आपको विद सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये बंजारा रेड आरवाना भी हमारे पास ये वाला अवेलेबल है। देख सकते हो, जूम इन करके दिखाओ प्लीज। ये आरटीजी अरवाना है और इसके साथ ब्लैक विडो फोंटोसा है। ये ब्लैक विडो फोंटोसा वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट फिश। ये बहुत बहुत रेयर फिशेस हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ब्यूटीफुल है और ये वाइल्ड कॉट है, ये इम्पोर्टेड है। ये बहुत रेयर फिशेस है। ये ब्लैक विडो फोंटोसा है, शायद ही आपने कभी देखे हैं कि इस तरह का भी फोंटोसा होता है। इस तरह इसके अलग सेक्शन में यहाँ पर बोरुंडी फोंटोसा है, कुछ एक्सक्लूसिव वैरायटी फोंटोसा के। ये सारे पाइप में रहते हैं। लुक अप द हेड ऑफ द फोंटोसा, वो मेल फोंटोसा है।
उसका हेड कलेक्शन आप देखिए, ये पाइप के अंदर और भी फोंटोसा है, मैं निकाल रहा हूँ। ये मेल है, इसका जो हेड है, इसका जो स्पेसिमेन है, ये अभी डार्क कलर के हैं, ये एनवायरनमेंट प्रॉपर एनवायरनमेंट में रहेंगे तो इसका कलर भी बहुत बढ़िया ब्लू कलर का हो जाता है। ये फोंटोसा, ये बहुत ही रेयर फोंटोसा है। और इसका हेड आप देखिए, ये फोंटोसा अफ्रीकन जो लेक होते हैं, लेक विक्टोरिया, लेक मालावी, वो अफ्रीका के लेक में बहुत डीप में ये फोंटोसा रहते हैं। इस फोंटोसा का अलग स्पेसिमेन रहता है, बहुत तरह का फोंटोसा होता है, बुरुंडी फोंटोसा होता है, ब्लू जायर होता है, ब्लैक बीडो होता है, साइड में है ब्लैक बीडो और ये वाला है आपका बुरुंडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो उराव स्पीसीज है, ये वन ऑफ द रेयरेस्ट कलेक्शन है। इसका जो रेड आई है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये बहुत रेयर स्पेसिमेन है। और डबल बैंडेड जो चिचिल्ड है, ये आपका जो रेमी रोजी है, रैम वैरायटी के चिचिल्ड है, लेकिन थोड़ा एग्रेसिव होता है। ये बहुत ही रेयर स्पेसिमेन है और सारे वाइल्ड स्ट्रेन है, वाइल्ड कॉट है, बहुत रेयर स्पीसीज है जो हमारे कलेक्शन में है। ये थोड़ा कॉस्टली होते हैं लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो कि ये कितना फ्रेंडली हो गए हैं काफ़ी दिन से हमारे पास रहकर। यहाँ पर इस क्वालिटी का फिश हम लोग पहले रखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, क्योर करते हैं, फिर कंप्लीट रेडी होने के बाद हम ये सेल करते हैं, कस्टमर के घर भिजवाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइम, यहाँ पर जो आप अरवाना देख रहे हैं ये बंजारा रेड है, ये बंजारा रेड अरवाना है। ये कम्प्लीटली इसका जो कलर आएगा, ये अरवाना का कलर हमेशा मैच्योर होने के बाद होता है। 2 साल 1.5 साल बड़ा होगा अरवाना, तभी आपको टैनिंग लाइट में, प्रॉपर लाइट में इसका कलर आएगा। और यहाँ पर एक रेयर स्पेसिमेन का कैटफिश है, बैकरीड कैटफिश है। ये कैटफिश बहुत ही रेयर है, आप देख सकते हो फिल्टर के नीचे जो है, ये सारे इम्पोर्टेड फिशेस बहुत रेयर है। ये आपको सिर्फ हमारे कलेक्शन में मिलेगा और ये कहीं पर, ये हमारा खुद का इम्पोर्ट किया हुआ फिश है और आपको जनरली ये फिश आपको रेयर अवेलेबल नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो अरवाना आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल सिल्वर अरवाना नहीं है। सिल्वर अरवाना के साथ इसका जो रेड फिन है और ब्लू जो इसका जो ब्लू इसका जो रिंग है, ये काफ़ी प्रॉपर है। ये अरवाना बहुत ही रेयर स्पेसिमेन का है। ये अरवाना आपको हमारे पास मिल जाएगा, ये आम नॉर्मल सिल्वर अरवाना नहीं होगा। जब ये मैच्योर होगा, इसका फिन क्लियरली रेड और ब्लू में होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट फिश भी है हमारे पास, रेड टेल कैटफिश भी है और वो इंडोनेशियन टाइगर जो सियाइनिस टाइगर भी कहा जाता है। ये अरवाना ये नाइट मॉन्स्टर ग्रुप में आता है, ये लाइव फिश या श्रिम्प के ऊपर फीडिंग रहता है इन लोगों का। टैंक है, ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टैंक, मुझे तो मेरा ये फेवरेट टैंक में से एक टैंक है। यहाँ पर ये टैंक में आप जो वैरायटी देखो, ये सारे भेजा वैरायटी है। यहाँ पर फेलिस्टेटस है, मार्वेल है, यहाँ पर अर्जेंटीना है, बहुत तरीके का भेजा ग्रुप का फिशेस है। ये भेजा ग्रुप बहुत रेयर है, ये सारे वाइल्ड स्पेसिमेन का भेजा वैरायटी है। जो फ्रेश वाटर मॉन्स्टर ग्रुप, हाई सिटी ग्रुप और रेयर वैरायटी ग्रुप पसंद करते हैं, ये उनके लिए खासकर ये
वाला बहुत लोग मुझे मांगे थे मेरे पास कि हाई क्वालिटी का भेजा है कि नहीं, उसको दिखाने के लिए मैं आपको ये सारा वीडियो शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं हमारे पास कुछ हाई क्वालिटी रेड शिवरम है। ये पोल डॉट रेड शिवरम जो इसका एक मैच्योर वर्षन बड़ा वर्षन मैं आपको दिखाऊंगा मेरे अगले टैंक में है। रेड शिवरम है, कुछ शॉर्ट बॉडी हॉर्न है, पैरोट भी है यहाँ पर हमारे स्टॉक में जो क्वारंटाइन स्टॉक में रेडी हो रहे हैं फिशेस। ये फिशेस कंप्लीट रेडी हो जाने के बाद हमारे सेलिंग यूनिट में जाएगा, हमारे शोरूम में जाएगा, उसके बाद कस्टमर के पास। हम यूं ही रैंडमली फिश ला के ही कस्टमर को नहीं देते हैं, ये कॉस्टली फिशेस है ताकि ये फिशेस डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी को हम मिनिमाइज कर देते हैं। अभी मैं आपको जो वैरायटी दिखाने जा रहा हूँ वो वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट फिश है, शायद ही आपको कलकत्ता में किसी और के पास ये वाला दूसरा मिलेगा। ये स्नूप वैरायटी है, रेड स्नूप। ये रेड स्नूप बहुत रेयर स्पीसीज है, अगर आप मॉन्स्टर फिश लवर हो तो आपके टैंक में ये रेड स्नूप होना चाहिए और रेड स्नूप का आपके टैंक का शोभा बढ़ाएगा। ये प्योरली मॉन्स्टर है लेकिन लुकिंग में बहुत शार्प फिश है, लेकिन इसका एटीट्यूड बिहेवियर काफ़ी मॉन्स्टर आरवाना के जैसा है। ये लाइट फिश और श्रिम्प के ऊपर इसका फीडिंग है। इसका जो कलरेशन है आप देख सकते हो, इस फिश का जो रेड कलर है और सारी बॉडी में जो इसका डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन काफ़ी एक्सक्लूसिव है। ये जो डिज़ाइन है ये शायद ही आपको ये वाला स्नूक मिलेगा। ये वाला स्नूक का साइज है आपका अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 इंच। यहाँ पर हमारे पास कुछ अलग वैरायटी के पिकॉक बैस है, पिंक टेल कैल्कस है, फॉल स्पॉट आरवाना है और यहाँ पर भी ब्लैक पिन है, ये येलो टेल ब्लैक पिन है। आप देख सकते हो ये सारे, ये भी मॉन्स्टर ग्रुप के सारे फिशेस हैं और बहुत रेयर क्वालिटी के फिशेस हैं। यहाँ जो पिकॉक बैस है आजुल और मोनोगुलस, ये आजुल पिकॉक बैस बहुत रेयर स्पेसिमेन है। मोनोगुलस फिर भी आपको मिल जाएगा मार्केट में, लेकिन आजुल पिकॉक बैस आपको शायद ही कहीं पर मिलेगा। और पिंकल कैलकस, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फिश में है, बहुत अच्छा इसका ग्रूमिंग है, इसका डेप्थ है, ये मेल फीमेल पेयर में भी है। इफ़ यू विश हम आपको ये डिलीवरी कर सकते हैं। मिस कर रहा था, यहाँ पर रेड टेल सोवेल नोस कैट है। ये रेड टेल सोवेल नोस कैट ये काफ़ी रेयर स्पेसिमेन में से है। रेड टेल सोवेल नोस कैट शायद ही मिलता है कहीं पर, नॉर्मल सोवेल नोस आपको देखने को मिलेगा लेकिन रेड टेल सोवेल नोस जल्दी देखने को नहीं मिलते हैं। एंजल में हमारे पास कुछ रेयर स्पीसीज है, आप देख सकते हो यहाँ पर रेड डेविल है, बुल्गेरियन है, पिनॉय है। ये कितने फ्रेंडली एंजल है, जिसका क्लोज व्यू लीजिए प्लीज। ये जो रेड डेविल एंजल है ये बहुत ही रेयर स्पीसीज है और यहाँ पर जो बुल्गेरियन और पिनॉय है ये भी आपको नॉर्मल शोरूम में, नॉर्मल दुकान में किसी और के पास जनरली नहीं मिलेगा। ये आप हमारे पास आपको ये सारे एंजल का वैरायटी, ये कॉस्टली एंजल में आते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं फ्रेश वाटर के फिशेस के हिसाब से, ये कॉस्टली फिशेस होते हैं। ये फिशेस आपको हमारे पास मिल जाएगा और ये काफ़ी फ्रेंडली भी है। ये काफ़ी दिन का पुराना सेट किया हुआ फिशेस है, हम पहले फिश को सेट करते हैं फिर कस्टमर के घर पर भेजते हैं, सो दैट हम वी कैन मिनिमाइज द मॉर्टेलिटी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो सबसे एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, द मोस्ट एक्सक्लूसिव कलेक्शन
जो सबसे यूनिक कलेक्शन है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ, ब्लैक डायमंड स्टिंगरे एंड ब्लू बेस आरवाना। प्लीज हैव अ लुक। ये है हमारे कलेक्शन में, ये है ब्लैक डायमंड स्टिंगरे। देखिए कितने ब्लेंडली स्टिंगरे हैं, ये मेरे बुलाने से मेरे पास आ जा रहे हैं। यहाँ पर ये मैं पहले ही बोला हूँ आपको, ये रेड डेविल शिवरम है। शिवरम, प्लीज जूम इन द कलर ऑफ द रेड डेविल शिवरम। ब्लैक डायमंड स्टिंगरे प्लीज। ये जो ब्लैक डायमंड स्टिंगरे हैं ये काफ़ी फ्रेंडली हैं, हैंड फीडिंग में हैं, आप इनको हैंड फीडिंग कर सकते हैं, ये इतने यूज टू है। और इसके साथ जो आरवाना है, आप दो आरवाना देख सकते हो, एक आपका ये बड़ा वाला आरवाना ब्लू बेस है और प्लैटिनम आरवाना है। ये प्लैटिनम और ब्लू बेस मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि शायद ही आपको कलकत्ता में दूसरा मिलेगा। ये आरवाना, ये दोनों आरवाना मेरे रेयरेस्ट कलेक्शन और यूनिक कलेक्शन में से एक है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। और हमारा जो ये क्वारंटाइन यूनिट है, आपको कैसा लगा? हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए काइंडली आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। और हमारा जो ये क्वारंटाइन यूनिट है, आपको कैसा लगा कमेंट में आप बताइए। और हम ताकि आगे आने वाले दिनों में इस तरह का अच्छा अच्छा फिशेस, अच्छे क्वालिटी का फिशेस आप तक पहुंचा सके और आपके घर का अच्छी क्वालिटी का फिशेस से आपके
घर को सजा सके, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे साथ रहिए। हमें कमेंट में आपका व्यू शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम इस तरह अच्छी तरह से काम कर सके और आपको अच्छा फीचर्स और अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सके। थैंक यू वेरी मच। बी विथ अस। थैंक्स टू बीइंग विद सिस्केप्स।